दोस्तों आप लोगों को एक नया वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। इस वीडियो में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर का संपूर्ण रहस्य बताने वाला हूं। यदि आप भी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर घूमने का सोच रहे हैं तो आपको अवश्य इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के चार पवित्र धामों में से एक है, जिसका दर्शन करने लोग दूर दूर से आते जाते रहते हैं। इस मंदिर को प्राचीन समय से ही स्वर्ग माना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। जगन्नाथ पुरी मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक खुला रहता है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास रहस्यों व चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि तेज धूप होने के बावजूद भी मंदिर का परछाई नहीं बनती है और प्रत्येक 12 वर्ष पर जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां बदली जाती है। अब सवाल उठता है कि क्यों ऐसा किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसके दौरान भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियों को रथ में बैठा कर एक भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिनमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। मंदिर के टावर की ऊंचाई गर्भगृह से 214 फीट ऊंचा है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा की मूर्ति लकड़ी से बना होता है। अनुष्ठान के दौरान पुरानी मूर्तियों को हटाकर एक विशेष प्रकार की लकड़ी, नीम की लकड़ी से बनाई गई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर का एक आकर्षक इतिहास है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोल गंगदेव ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। जब जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा निकाला जाता है तो लाखों भक्त एक साथ होकर रथ को खींचा करते हैं। जगन्नाथ मंदिर अपने महाप्रसाद या भोजन प्रसाद के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रसाद चावल, दाल और सब्जियों से बना होता है। दोस्तों प्रसाद को तैयार करने के लिए खुली आग पर मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो इस प्रसाद को ग्रहण करता है उसे अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भगवान जगन्नाथ को 56 प्रकार के भोग लगाया जाता है, उसके बाद भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। 16वीं शताब्दी के संत और कवि चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर का दौरा किया था और देवी देवताओं की स्तुति में कई भजनों की रचना की है। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के चार मुख्य द्वार हैं। प्रत्येक द्वार अलग अलग दिशा को प्रदर्शित करता है। मुख्य द्वार का नाम सिंह द्वार है, साथ ही साथ दो विशाल शेर की मूर्तियों से सुशोभित किया गया है, और अन्य तीन द्वार है जिसका नाम अश्व द्वार, हाथी द्वार, व्याघ्र द्वार है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को सुन सकते हैं। इसे शाम को अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा ध्वज कपड़े का बना है, जिसे प्रतिदिन बदला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आंधी या तूफान के दौरान यदि झंडा कदा फटा या क्षतिग्रस्त नहीं हुआ तो इसे चमत्कार माना जाता है। यह झंडा हवा के विपरीत लहराता है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में वैज्ञानिक ही बता सकता है। जगन्नाथ मंदिर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है और मंदिर परिसर तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसमें रहस्यमयी बात यह है कि मंदिर के चारों ओर का पानी खारा नहीं है, भले ही यह समुद्र से जुड़ा हो। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद के कारण है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें पानी को शुद्ध करने की शक्ति है। दोस्तों क्या आपको पता है कि उड़ीसा के पूरी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को जहाँ से भी देखेंगे सामने ही नजर आएगा। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से बना है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नजर नहीं दिखाई देता है और इसके ऊपर विमान उड़ाया नहीं जा सकता है। इसके आसपास पक्षी उड़ते नजर नहीं दिखाई देता है, जबकि देखा गया है कि अन्य मंदिरों के गुंबदों के ऊपर पक्षी बैठ जाते हैं, उड़ते हुए नजर आते हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का रक्षक हनुमान जी को माना जाता है। जब 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था तो महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रण करने हेतु नियुक्ति किया था।